मामला राजनीति का हो तो फिर कोई भी मौका नहीं छोड़ता। सोनाली फोगाट थप्पड़ कांड में अब कांग्रेस भी जो है मैदान में कूद पड़ी है, क्योंकि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया में चल निकला और नेशनल मीडिया ने भी इसको हाथों हाथ लिया और देश में ये वायरल हो गया, इसके चलते अब बीजेपी पर भी एक तरह से प्रेशर बढ़ रहा है और दूसरा कांग्रेस इसमें कूदते हुए इस बहाने बीजेपी सरकार को हरियाणा में जो है उस पर प्रेशर बना रही है। उस पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है अहंकारी है, निरंकुश है, तानाशाही बरत रही है और बीजेपी के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा कर रहे हैं उनको जाकर पीट रहे हैं। और इसी मामले में दूसरी तरफ कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी के हिसार के एमएलए हैं कमल गुप्ता, उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें ये भी कहा उन्होंने कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, जो भी लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं उनको जो है प्रोसिक्यूट किया जाता है। उसी हिसाब से इस केस में भी अगर जो कोई दोषी होगा जिसने कानून हाथ में लिया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखते हैं सरकार क्या करती है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है चारों तरफ से मीडिया के चलते हरियाणा सरकार पर भी प्रेशर बन गया होगा तो कुछ कार्रवाई इस पर होनी ही है। अब होनी किस पर है ये तो जो जांच होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेगी कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और ये कहाँ तक पहुंचा और इसमें किसकी कैसे गलती है वो तो पुलिस ही बता सकती है और कोर्ट ही उसका जो है डिसीजन दे सकता है। लेकिन अब इस मामले पर कुछ तो जरूर होगा, अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो शायद ये बात आई गई हो गई होती।